तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब कल की वीडियो, क्योंकि भाई साहब लाइट नहीं आ रही थी तो मैंने पीसी पे एडिट नहीं करी थी, इस वजह से वो फुल स्क्रीन पे नहीं थी तो साइड में मैंने एक बैनर लगा रखा था, तो इसी वजह से मैंने लगाया था। लेकिन आज लाइट वगैरह सिस्टम ठीक है तो भाई साहब आपको फुल वीडियो मिल रही है, तो कल वाली वीडियो इग्नोर कर सकते हो। फिलहाल जो भी आपको एक बात बताता हूँ भाई साहब, ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना क्योंकि क्लचेस भरे पड़े हैं। गन के नाम पे मेरे को मजाक मिला था और सामने वाले के पास कारल, लेकिन फिर भी मैंने एक को ढेर कर दिया, लेकिन इसको भी नॉक हुआ और मैंने इसको एक बॉडी शॉट भी मारा। अब मेरे को पता था कि वो बंदा मेरे ऊपर पुश कर रहा है और मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी नॉक पड़ा है। और भाई साहब क्या मारा है, हेल्थ देखो मेरी, भाई साहब हेल्थ देखो, मतलब एक को कट्टे से मारा और दूसरे को इतनी लो हेल्थ में मारा। तो भाई साहब अब इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे यार। कर लो मेरे भाई सब्सक्राइब, आजकल कर नहीं रहे हो क्योंकि दिख रहा है मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। फिलहाल जो भी हो, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। बात ये थी कि सिवर्नी में बहुत सारे बंदे उतरे थे, ठीक, तो इनको मार दिया, गन्स भी मिल गई, तो गन वगैरह का तो जुगाड़ हो गया था, लेकिन बिना हेल्थ के कैसे लड़ेंगे। हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट है ना, बिना हेल्थ के नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पर मैं और स्कूबी दोनों बैंडेजेस ढूंढने में लगे थे क्योंकि फर्स्ट एड की तो उम्मीदें दिख नहीं रही थी। अब फिलहाल यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में सोच रहा था कि मेरे को एक कम से कम एनर्जी ड्रिंक ही मिल जाए। फिलहाल मेरे को यहाँ पर वेस्ट मिली, एनर्जी ड्रिंक वगैरह तो नहीं मिली, लेकिन हम लोग के सामने लड़ाई हो रही थी। मतलब भाई साहब हम लोग को रुका नहीं जा रहा था, हम लोग ये सोच के उतरे थे कि भैया गन उठाएंगे और फौरन सबके ऊपर रश कर देंगे, लेकिन ये लो हेल्थ की वजह से हम लोग कहीं भी नहीं जा पा रहे थे और बुरा फंस गए थे। अब यहाँ पर तो मैं फाइट वगैरह नहीं ले रहा था, लेकिन स्कूबी के पेट में बहुत दर्द होता है, वो भिड़ा पड़ा था सामने वालों से और रख दिया गया। अब यहां पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था स्कूबी बचाने के लिए। अगर मेरे पास हेल्थ होती तो मैं एक बार ओपन में जाता उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इतनी लो हेल्थ में अगर मैं ओपन में जाऊंगा ना और उससे फूंक भी देंगे ना, मतलब क्या बता रहा हूँ, एक बार घूर भी देंगे ना तो मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि भाई साहब आज स्कूबी की कुर्बानी को जान देते हैं, पहले हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर कोई सी चीज़ जिससे मेरी हेल्थ रिकवर हो जाए और फिर हम बदला लेंगे स्कूबी का। तो मैं गया चर्च की तरफ क्योंकि अक्सर यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन हायरे किस्मत एक मौली मिली बस। अब यहाँ पर किस्मत देखो मेरे, चर्च के अंदर भी मैंने ढूंढ डाला, भाई साहब कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। और सामने एक तरफ बम्पर लड़ाई हो रही है दो तीन टीम्स के बीच में। अब यहां पर मैंने एक को मार दिया, ये टीम खत्म हो गई, दूसरी टीम का एक बंदा मर गया था और एक कार 98 दूर से चला आ रहा था जो कि मैं देखने की कोशिश कर रहा था, मेरे को लग रहा था टूटी वाली झोपड़ी के पास, और फाइनली मैं मेरे को दिखा भी। भाई साहब यहाँ पर दो टीम तो निपट गई थी, तो मैं सोच रहा था कि इन लोगों ने मिलके एक टीम को तो पहले ही ठोक दिया होगा, तो वहां पर मामला खत्म हो गया है। तो भाई साहब जरा देखो, मैं इतनी सारी हेल्थ लेके, मतलब खत्म ही हेल्थ लेके मैं एकदम ओपन में गया क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि वहां पर मामला साफ हो गया, वहां जाके अब मैं लूटूंगा तो मेरे को हेल्थ वगैरह मिल जाएंगी। और भाई साहब ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो बंदे नीचे ही वाले फ्लोर पर काम कर रहे थे। अब यहाँ पर मेरे को गन रीलोडिंग की आवाज़ आ गई, भाई साहब तो सबसे पहले मैंने पोजीशन लिया, लेकिन मैं जानता था मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिस्क लिया लूटने का और भाई साहब फाइनली मेरे को कुछ बैंडेजेस मिले। अब ये बैंडेजेस लगाने के लिए मैं उस पार कूदा और भाई साहब यहाँ तो और किस्मत चमकी, यहाँ पर मेडिकेट मिल गई। अब तो भाई साहब ये बंदा ऊपर ही खड़ा टीपीपी ले रहा था लेकिन ये कूदा नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जब टाइम था पुश करने का तब इन्होंने करा नहीं। और अब मैं हेल्थ लगा चुका था, अब मैं इनको छोड़ने वाला नहीं था, तो सबसे पहले मैंने एक मॉली करा, लेकिन वो दोनों पहले ही पीछे हट चुके थे, मतलब एक नीचे आ गया था और एक पीछे की तरफ था, तो मॉली से कुछ खास फायदा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगा कि मेरे को वापस जाना चाहिए और सही डिसीजन था भाई साहब, वरना शायद ये जो बचा होना ये बचता भी नहीं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक बंदा नीचे कूदा और एक अभी भी घर में ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। अब देखो यार, जंप एंड फायर के लिए अगर सबसे बढ़िया कोई ऑटो गन है ना तो वो उजी है। ओ भाई साहब बाल बाल बचो यार, शॉटगन से बच गया यहां पर, तो मैंने जान में जान ली। लेकिन बात ये थी कि अब नीचे वाले को तो नहीं छोड़ने वाला था मैं।
ओ भाई साहब क्या मारा इन दोनों को। लेकिन जैसे इनको मारा मेरे को एक और फुटस्टेप आने लगे और मैं सोच रहा था क्या यहाँ पर एक और टीम आ गई है। भाई साहब मेरे को हेल्थ लगा लें दो यार, हेल्थ लगा लें दो। अब यहाँ पर मैं लड़ना बिल्कुल नहीं चाह रहा था तो मैं थोड़ा सा पीछे भागा एक और बैंडेज लगाने के लिए, लेकिन मैं बच गया। ये सिर्फ एक बॉट था। तो फाइनली यहाँ पर ढेर सारी लूट मेरे हाथे चढ़ गई थी। अब भाई साहब क्या बताऊँ, मैं ऐसी पोजीशन से बचा हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं बच पाऊँगा क्योंकि ना हेल्थ थी ना ढंग के वेपन थे, टीममेट को खो चुका था और भाई साहब यहाँ पर बंदे ही बंदे थे। लेकिन फिर भी किसी तरीके से टॉप पे मैं ही आया और बच गया। अब सिवर्नी में जो भी हो उसको भुलाने के लिए मैं आया यहाँ रोजॉक, क्योंकि भाई साहब रोजॉक में हमेशा बंदे मिलते हैं। लेकिन इतने बंदे होंगे रोजॉक में ये मैंने भी नहीं सोचा था। मतलब बस देखते जाओ तीन चार टीम्स हैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर पांचवा हूँ। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर मैं आया तो पहाड़ी पे मेरे को दो बंदे दिख गए थे जो मेरा गाड़ी से चेस कर रहे थे। अब इनकी बारी थी, लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, मेरे एक के पे एक कॉम्पनसेटर नहीं था। अब ये जगह प्रोन होने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि ये घूमने नहीं देती है बिल्कुल भी। अब क्योंकि मेरे पीछे नीचे से फायर हुआ था तो वहां से मेरे ऊपर एंगल बन सकता था, तो मैं ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता था, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। अब यहां पर मैंने हल्का सा उसे लिट करा और उसके बाद मैं वापस से कवर में आया। यहां पर मैंने हगा, ये मैं मानता हूं मुझे इसे नॉक करना चाहिए था, लेकिन यार रिकॉल यहां पर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी, यार बिल्कुल भी जगह नहीं है मूवमेंट के लिए। अब एक बात तो मेरे को पता थी कि मेरे को यहां से हटना पड़ेगा, मैं ज्यादा देर यहां पर रुक नहीं सकता हूं क्योंकि यार मेरे नीचे बंदे थे और फायर कर सकते थे। और तभी ये गाड़ी लेके निकले। अब ये एक अच्छा मौका था, मेरे को एक बात पता थी कि रोजॉक में और भी टीम्स हैं, वो इनको आगे कहीं भागने तो देंगे नहीं, तो घूम फिर के यहीं पर रुकेंगे। तो मैं यहाँ पर ये सोचा था मैं गाड़ी लेके दूसरी तरफ से ऊपर जाऊँगा और वहाँ पर जो वो है क्या बोलते हैं स्टोरेज है और एक थ्री स्टोरी है वहाँ पर जाके कैंप करूँगा। ओ भाई यहाँ पर मेरा तो प्लान भे हो गया क्योंकि ये बंदा मेरे ऊपर गंदा फायर करा और मुझे किल्स भी चाहिए थे और ये बंदा इतना करीब था तो मैं यहीं पर रुक गया। लेकिन अब बात ये थी कि ये बंदा नेट्स की पिन खींच रहा था। अब भाई साहब कमाल की बात बताऊं, मेरे को बार बार पिन खींचने की आवाज आ रही थी लेकिन वो बंदा नेट नहीं फेंक रहा था, तो मैं यहीं पर रुक गया क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट जगह है इस पूरे घर में अगर आपको नेट से बचना है तो। फिलहाल मेरे हिसाब से आप बताना कि अगर आपके लिए कोई बढ़िया इससे भी जगह है तो। फिलहाल जो भी हो सामने की तरफ लड़ाई हुई थी और मेरे को पता था मैं किल चुरा सकता हूं, तो मैं ऊपर गया। भाई साहब मेरे को लग रहा था मेरे पास AKM है, लेकिन जब तक मैंने AKM निकाला वो बंदा फिनिश हो गया। तो मतलब वो इतनी जल्दी फिनिश नहीं होता, मैंने जो उजी से उसको डैमेज दिया ना उससे वो इतनी जल्दी से फिनिश हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर थी तो नहीं मेरी किल, लेकिन चोरी भी एक तरह से मेरी ही किल हुई क्योंकि मैंने उसको इतना डैमेज दिया था। अब सामने वाला बंदा नेरे ट्राई कर चुका था तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने टीममेट को कॉल दी क्योंकि मेरे को दो फुटस्टेप आने लगे अब, और वो बंदा मेरे को दिख गया कि वो शैक के पीछे है। अब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो यहाँ पर मैं गया उसे पहुँचने, लेकिन तभी मेरे ऊपर गंदा फायर हुआ और अब मैं थोड़ा सा फंस गया था क्योंकि वो बंदा पीछे से आ रहा था। अब इसको मैंने जैसे ठोका मैं कवर में गया क्योंकि इसका बंदा एकदम सामने था। ओ भैया प्रोन एंड शूट, मतलब कहते हैं आजकल सबको ही प्रो रखे हैं। लेकिन जो भी हो इन दोनों को आराम से ठोक दिया और जल्दी से हेल्थ लगाई मैंने और मैं जा रहा था लूटने क्योंकि एमओ की थोड़ी सी कमी होने वाली थी। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर आया, ओ भाई साहब मेरे को दो और फुटस्टेप आया और मैं भाग के कवर में आ गया। मैं एक बार जानता था कि एक बंदा इस घर में घुस गया लाल वाले जिसमें मैं था, तो मैं उस पेड़ के पीछे तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा पेशेंस रखना था क्योंकि ये दोनों बंदे अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे, तो मतलब ये नॉर्मल बंदे तो थे नहीं, तो मेरे को बच के थोड़ा सा लड़ाई लड़नी थी इनसे। अब यहां पर मेरे को जगह चेंज करनी थी क्योंकि यकीन मानो ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो रेड घर से एक नेट भी फेंकता ना बंदा किसी भी डायरेक्शन में, मतलब इस शैक के पास, तो भाई साहब मैं ठुक जाता। तो यहां से मेरे को हटना था ताकि मैं नेट की रेंज में ना रहूं।
अब यहां पर उन्होंने मेरे को देख लिया था और एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आया। अब एक को मैंने ठोक दिया, दूसरा दूसरी तरफ से आया। भाई साहब क्या ही मारा है भाई, ओपी भाई। तो भाई साहब मतलब इन दोनों को भनक तक नहीं लगी इनके साथ क्या हुआ। फिलहाल जो भी हो, मैं सोच रहा था कि अब फाइनली यहाँ पर सन्नाटा हो चुका है और मैं यहाँ पर एकदम ही गलत था। बस देखते जाओ आगे क्या हुआ मेरे साथ। मतलब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को फुटस्टेप आए, ठीक। अब मैंने सोचा शायद कोई बॉट होगा, तो मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने मजाक मजाक में एडीएस करके देखा तो ये तो बंदा निकला। लेकिन तभी एक नेड आया, तो मतलब इसका एक साथी भी था। अब ये नेड फटा मेरे, तो डैमेज तो हुआ है लेकिन साथ मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था और मैं ये समझ रहा था कि ये दोनों एक साथ ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जगह ले ली। लेकिन तभी भाई साहब दोनों को पता था मैं कहाँ हूँ, दोनों के दोनों प्री फायर करते आए ऊपर की तरफ और मेरे को निपटा गए। यार एक को ठोक दिया था और दूसरा बहुत ज़्यादा लीड था, 1 HP पे था। एक गोली और मारने का अगर मेरे को मौका मिलता ना तो यहाँ पर क्या क्लच होता। फिलहाल आप मेरे को बताना क्या वो गेम प्ले कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भाई साहब चिकन डिनर तो नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं यार, सैड लाइफ। Let's go. Here we going off on a Tuesday. Gonna go all out till a new day.